स्वर कोकिला लता मंगेशकर को रॉलिंग स्टोन मैगजीन में 200 सर्वश्रेष्ठ सिंगर्स के लिस्ट में शामिल किया गया है। लता मंगेशकर को लिस्ट में 84वां स्थान दिया गया है। वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तानी सिंगर नुसरत फतेह अली खान भी शामिल है। लिस्ट में BTS के सबसे युवा सिंगर जुंगकुक को भी शामिल किया गया है। हालांकि सिंगर सेलिन डायन को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसे लेकर उनके फैंस में काफी नाराजगी है। रोलिंग स्टोन ने भारत की गायिका लता मंगेशकर के बारे में लिखा, द मेलोडी क्वीन की सुरीली आवाज जिसने भारतीय पॉप म्यूजिक की आधारशिला रखी, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई, जिसने अपनी आवाज से सुनहरे युग को परिभाषित किया। वो महान प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर जी थी, जिन्होंने अपनी गायकी से कई एक्टर्स के लिए शानदार गाने गाए, जिन्होंने करीब 7000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आपको बता दें, दुनिया भर में अपनी सुरीली आवाज से पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में फरवरी 2022 में निधन हो गया था। लता मंगेशकर ने अपने करियर में 36 से ज्यादा भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने मीना कुमारी, जया बच्चन, राखी, शर्मिला टैगोर, श्रीदेवी, काजोल, माधुरी दीक्षित जैसी कई एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज दी। लता दी को गायकी में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब एक बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है कि रॉलिंग स्टोन के 200 सर्वश्रेष्ठ गायकों के लिस्ट में लता मंगेशकर का नाम भी शामिल किया गया है। अमेरिका की फेमस मैगजीन है रोलिंग स्टोन, जिसने दुनिया के 200 बेस्ट सिंगर्स के लिस्ट में स्वर कोकिला लता मंगेशकर, नुसरत फतेह अली खान और BTS के जुंगकुक को शामिल किया है, लेकिन सिंगर सेलिन डायन को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सेलिन डायन को लिस्ट से बाहर करने पर फैंस सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं। उनके एक फैन ने ट्विटर पर लिखा, सेलिन के बिना सबसे महान गायकों की लिस्ट नहीं हो सकती, वो हमारी पीढ़ी के सबसे महान सिंगर्स में से एक हैं। वहीं एक फैन ने तो ये तक कह दिया कि मैं चाहता हूं कि रोलिंग स्टोन के शीर्ष 200 गायकों की पूरे लिस्ट को हटा दिया जाए, आपकी लिस्ट में माइकल जैक्सन, एमी वाइनहाउस और सेलिन डायन जैसे सिंगर नहीं है। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।